पूजा रेक्टर जिंदाबाद, पूजा रेक्टर जिंदाबाद, पूजा रेक्टर जिंदाबाद। आज पूरे समाज ने 100 विभाग में गांधी नाना जी को समर्थन दिया और उम्मीद करता हूं कि डर की वजह से 13 तारीख के बाद 20 कर दिए, 20 के 25 भी कर दो, पूरे समाज आपको जिताएगा और 1,25,000 मुस्लिमों का अखिलेश यादव जी का कर्ज चुकाने का काम करेगा। पूजा नेता जिंदाबाद। सर समिति से गांधी नाना जी की जो पुत्र वधु है संबुल राणा जी उसको समर्थन दिया है और मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ कि उस दिन तो चुनिंदा लोग थे, आज पूरे क्षेत्र के और पूरे मीरापुर विधानसभा के सभी गुर्जर समाज का कोई परिवार ऐसा नहीं बचा जिसमें से एक व्यक्ति ना हो और साथ के जो क्षेत्र के आसपास के जिम्मेदार साथी हैं सब लोग यहां पहुंचे और एक तरफा गुर्जर समाज ने समर्थन दिया। कल भी चंदन चौहान जी ने गुर्जर समाज की वो राजनीति अपनी कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए लेकिन वो करने लायक तो है नहीं, समाज का सम्मान कहाँ है। उनके जो मंत्री हैं वो हमें संविदा पे लगा रहे, कहीं मजदूर बता रहे, कहीं रियायत बता रहे, उसके बाद भी मैं नहीं समझता कि गुर्जर समाज वहाँ वोट दे पाएगा। एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है कि गंगा में फेंक देंगे भाई, ये तो किसी का तो बुलडोजर चला मैं, किसी को हिंदू को गंगा में फेंके हैं, अब इनका ये नहीं पता चल रहा मुस्लिमों पे तो बुलडोजर आ गया और इन्हें हमें गंगा में फेंके हैं। अब भैया गंगा मैया इनका दिमाग सही करते हैं, हम तो निवेदन ये करेंगे आगे को ये गलती ना करें और समाज की विचारधारा को और समाज को जोड़ने का काम करें, समाज को तोड़ने का ना करें। अब ये 10,000 वोट के जुगाड़ कर रहे, 10,000 का हम जीत रहे 50,000 से, 40,000 कहां से लाएंगे और गंगा पीछे कर दो गंगा स्नान और जोर से हम 50,000 से जीत रहे। इसमें भी भाजपा की कोई चाल, वो घबरा गए ये तो इससे, और जो मुसलमान भाई जो हमारे इधर उधर से नहीं समझ रहे थे इससे हमें इतना फायदा हो गया, शायद बीजेपी समझ नहीं, जो इधर उधर के वोट कटवा पार्टी पे जा रहे थे तो वो मुसलमान एक मुस्त कादिर राणा जी की पुत्र वधु के सत्र आ गया और मुसलमान के साथ साथ जो समझदार व्यक्ति है वो ये मान बैठा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी का जाना तय है और अखिलेश यादव जी का 2027 में आना तय है, इनका जाना तय, उनका आना तय, इस बीच में ये उपचुनाव को पीछे हटा के ले जा रहे हैं लेकिन भानना कुछ नहीं चलेगा। एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, कटोगे तो बटोगे, इस पर क्या कहना भाई? उनकी भाषा है ये, उनके मंत्री संजीव बालियान जी भी ये बोलते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोलते हैं, उनकी तो रोटियां ही कटो बटो पे सीखे हैं, हमारी जोड़ने पे सीखे हैं, समाजवादी विचारधारा सब लोगों को जोड़ती है वो सबको तोड़ती है, ये तो समाज तय करेगा मीरापुर में कि समाज को जोड़ना है या तोड़ना है या कटना है बटना। अगर 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी जीत लेती है तो उसका राजनीति में क्या असर है? ये राजनीति का भी बताओ, भारत के अंदर अखिलेश यादव नंबर 3 की पार्टी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 की पार्टी 37 सांसद जीता के, तो इसका असर तो आप ये देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। इसमें गुजर मुस्लिम भी आए थे या सिर्फ हिंदू गुजर? इसमें मुस्लिम गुजर भी थे, हिंदू गुजर, गुजर का मतलब गुजर है, उसमें कोई हमारे यहाँ हमारा तो हुक्का भी एक है, तो मैं सभी आयोजन इनका मीरापुर के सभी मतदाताओं का, गुर्जर समाज के भाइयों का, आयोजकों का और सभी मेरे बुलावे पाए, उनका सबका दिल के दर है, मेरे सिर पे पैर रखा है सभी मीरापुर के गुर्जर समाज के लोगों, मैं ये हमेशा याद रखूंगा और ईश्वर ने किसी लायक रखा, अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से मीरापुर के अंदर वो इतिहास रचेंगे 2027 में कोई सोच नहीं सकता और समाज की एक दिशा तय करेगा ये समाज। तो मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपके बीच में अलग अलग पार्टी से, अलग अलग दल से, अलग अलग लोग, अलग अलग बात, अलग अलग लालच लेकर आएंगे। आपको निर्णय लेना है कि इस समाज का कौन से दल ने, कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा भला, सबसे ज्यादा नुकसान किया है। आज उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि इतिहास उठा दे देख लो 20 साल पहले का, कि अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है इस समाज का तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2007-08 के अंदर सब लोगों को याद होगा जब हमारे समाज के लोग राजस्थान के अंदर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने 200 माताओं की कोख को सुना किया था। सम्मानित साथियों और हमारे जो हमारा ओबीसी का कोटा है अगर किसी ने काटने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने आपके समाज को सम्मान देने का काम किया।
चाहे राज्यसभा सांसद रहे हो सुरेंद्र नागर जी, चाहे वीरेंद्र सिंह मंत्री जी रहे हो, अभी फिलहाल में दो राष्ट्रीय महासचिव बना रखे हैं आप लोगों के, आदरणीय एक तो यही मौजूद है आदरणीय रुद्रसेन जी और दूसरे नीरज पाल जी, और कम से कम 10 टिकट विधानसभा का देने का काम किया था और 30 का काम किया था, ये तो समाजवादी की। और आज तक एक बात बड़ी बता दूं कि किसी ने 6 महीने भी आपको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, समाजवादी पार्टी ने आपको आजीवन प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। रामशरण दास जी जब तक जिंदा रहे समाजवादी पार्टी ने उसे प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा, आपके समाज को सम्मान देने का काम किया। और आपके बीच में सुंबुल राणा जी के ससुर साहब आदरणीय कादिर राणा जी आ रहे हैं। तो दूसरी चीज अब आती है प्रत्याशी की बात। आप सब लोग समझदार है, गूगल खोल कर देखना, पढ़े लिखे लोग जितने यहां बैठे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं खासकर, ये हमें ऐसा उतारने का समय है। इस समय जब मैं बहुत छोटा सा था तो सबसे पहले मेरठ के अंदर चौधरी हरीशपाल जी सांसद बने, उनको मुस्लिम भाइयों ने सांसद बनवाने का काम किया था। उसके बाद मेरठ से दूसरे सांसद आदरणीय अवतार सिंह भड़ाना जी बने, उनको मुस्लिम भाइयों ने सांसद बनाने का काम किया था। तीसरी बार बिजनौर से सांसद आदरणीय स्वर्गीय चंदन चौहान साहब के पिताजी बने, उनको मुसलमान भाइयों ने बनाने का काम किया था। चौथी बार 100% जो इससे पहले सांसद है मलूक नागर जी, उनको मुसलमान भाइयों ने सांसद बनाने का काम किया था। और मौजूदा विधायक जो यहां जिसपे सीट पर चुनाव हो रहा है, अगर उसको किसी ने विधायक बनाने का काम किया तो मुस्लिम भाइयों ने किया था। सरदना विधानसभा के अंदर अगर किसी को विधायक बनाने का काम किया तो मुस्लिम भाइयों ने किया। वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हमारे समाज के एक बार में कहावत है कि हमारा समाज किसी का एहसान नहीं रखता। अखिलेश जी ने और समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष हमको दिया, टीजीपी हमको दिया, राज्यसभा सदस्य हमको दिया, राष्ट्रीय महासचिव हमको दिया, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक पूरे समाज को एक ऐसा प्रतिनिधित्व दिया कि चौराहे पर खड़ा सिपाही अगर किसी मोटरसाइकिल या गाड़ी पर गुर्जर निकालते तो उनको हाथ देने की हिम्मत नहीं होती थी। सरसता के गुर्जरों की सरकार है और आज गुर्जर समाज के साथ एक पुलिस का ही आमदनी का जरिया है। मुसलमान के खाने में हमारी हैसियत है, बहुत ज्यादा हमारे साथ है नहीं, तो इस समय को पहचानो। और जो डिसीजन कुमार देवेंद्र सिंह जी ने ले लिया है और युवाओं ने इतिहास पढ़ा होगा, और जो व्यक्ति अपने इतिहास को जानता है और इतिहास को पहचानता है वो आगे बढ़ता है। एक समूह हुआ करता था सहारनपुर में चौधरी यशपाल सिंह जी, मुजफ्फरनगर चौधरी नारायण सिंह जी, बाबा देव सिंह जी, धर्मपुर जो थे रामदयाल जी, करुणदयाल जी, एक पश्चिम में गुजर का एक भवन हुआ करता था। और मैंने तो सुना है कि जब बाबू चौधरी यशपाल सिंह जी लखनऊ में होते थे तो जितने सभी टोपी वाले होते थे सब यशपाल जी के क्षेत्र का लोग हुए। अरे हमें वो समय याद करना होगा, हमें दरभंगा वो याद करनी होगी, आज हम कहा है, एक वो समय था आज क्या समय है, आज हमें पश्चिम के लड़ना पड़ना है। और कहते बड़ा चेहरा, अरे हमारे आप लोगों से बड़ा चेहरा कौन होगा, चेहरा आप लोग बनाते हैं, चेहरा किसी का कोई बड़ा नहीं होता, चेहरा बड़ा आपका है, आपने बनाया। आज जिस समाज वोट मांग रहा क्या किया, आप जाइए मलूक नागर जी सांसद बने किसी बदौलत बने, चंदन चौहान विधायक बने किसी बदौलत बने, एमपी बने किसी की बदौलत बने, आप खतौली जाइए अतुल प्रधान जितने 3 बार डिफीट रहे, 3 बार हारा, 2 बार हारा, तीसरी बार में जीता, उसको देखिए आप। मेरा कहना यह है कि हमें अपने आप को समझना होगा
जानकारी देगी। मंत्री विधायक बनना अलग चीज और स्थापित लीडर होना अलग चीज। मैं अभी ये कह रहे थे कि एक सेंटर के बड़े मिनिस्टर थे मेरे भाई, वो मिनिस्टर थे, एमपी बने, लेकिन एक बात कह जाती है बायोलॉजी में एक नियम है अनुवंशिकता, जिसकी जैसा खान पीन होगा, जैसा उसका व्यवहार होगा, जैसा स्थिति में उसका परम होगा, वो उसी स्थिति को रखता है। संजीव बाजन नेता नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन होने के नाते अपने पैसे के बलून पे वो सांसद बने, सेंटर में मिनिस्टर बने, अलग चीज है। राजनीति घराने अगर आप गिनोगे तो राजनीति घराने में उसके घराना नहीं आता, राजनीति घराना आता ये हरेंद्र मलिक का, फागुन नकली सिंह का, बाबू नारायण सिंह का, चौरी जसवंत सिंह जी का, ये राजनीति घराने हैं जिनकी राजनीति हुई है। और जो अच्छे घराने के लोग होंगे उनकी सोच भी अच्छी होगी। नेता का मतलब है नेतृत्व करना। मैं तो अभी सभी युवा साथी मेरे यहां बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि बात कहना और चला जाना अलग चीज है। हमें राजनीति हमें जिस तरीके से काटा जा रहा, और एक बात और बताऊंगा आपसे, एक बात और कहना चाहूंगा कि एक गोली से मरता है एक व्यक्ति और कलम से मरता है उसका पूरा खानदान। देखना क्या होगा आपका, आपको वोट रोकने का प्रोटोकॉल आएगा, आपकी वोट काटी जाएंगी, जब वोट लिस्ट आएगी तब आपको पता चलेगा। बड़े ही होशियारी के साथ हमें अपनी बात कहनी है और हमें जिस समाज ने हमें रख दिया, हम अगर हमारे पे किसी ने एहसान किया, हम एहसान उतारने का काम करते हैं। मुस्लिम समाज ने हमारे ऊपर एहसान कर रखा है, चाहे चंद्र भाई का, मलू नागर जी का, किसी का रहा हो, इस बार हमें मौका मिला एहसान उतारने का। मैं चाहूंगा कि वोट के रूप में एहसान उतारे। आज जिस हालात से देश और प्रदेश गुजर रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से हमें आप सबको ठगने का काम किया। मैं तो बीजेपी में था, सत्ता छोड़ करके आया, क्योंकि वहाँ स्वाभिमान की बात नहीं है, वहाँ स्वाभिमान खत्म हो चुका है और हम लोग स्वाभिमान की राजनीति करते हैं, स्वाभिमानी परिवार से संबंध रखते हैं, तो मैं तो सत्ता छोड़ करके आया। लेकिन जो प्यार और सम्मान आज केवल और केवल श्री अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं, खासकर गुर्जर समाज को, मैं अपनी कौम की बात कर रहा हूँ, कौम के लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, हम गुर्जरों का सम्मान उसी के हित में है, क्योंकि उसके दो कारण है। दो कारण क्या है, एक तो वो पिछड़े और अगड़ों की पार्टी है, दूसरा वो यादव है, हम गुर्जर हैं और यादवों से हमारा कई हजार साल पुराना रिश्ता चला आ रहा है। माता राधा गुर्जर थी और श्री कृष्ण जी यादव थे, तो हमारी तो रिश्तेदारियां यादव के साथ बहुत पुरानी चली आ रही है, तो हम लोग तो उसी नाते से आज भी मानते हैं। हम सब द्वारका जी जाते हैं, सब वृंदावन जाते हैं, तो वही माता राधा दिखती है और हमारे समाज से हमें गर्व होता है। तो मैं ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहता हूँ कि आप लोग तो हमारे रिश्तेदार हैं और जहाँ सम्मान है वही काम करना चाहिए। आज चुनाव है, आप हमारे गुर्जरों के काफी गाँव है, जहाँ से चंदन विधायक राव सांसद है, बहुत साथियों ने कहा मुसलमानों की भागीदारी, वाकई उन लोगों ने आपको कुर्बानी दे करके अपना टिकट छोड़ करके आपके समाज के बच्चे को वहाँ तक पहुँचाया। आज हमारी भी रिश्तेदारी है, हमें भी अपना बढ़ चढ़ करके ये कादिर भाई की पुत्र वधु को ये चुनाव जिताना चाहिए। और आने वाला 2027 आपका है, अभी साथी कह रहे थे 13 टिकट दिए थे गुर्जर समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और अगर ये हिस्सेदारी आपकी बरकरार रही, आप रिजल्ट दिखोगे, क्योंकि आज के टाइम पे बूथों का रिजल्ट दिखता है, बूथ पे पता चलता है कि इस गांव में किस समाज के वोट ने कितना वोट दिया। अगर आप बूथों से अपने गांव से जिता करके जाओगे, आने वाले समय में आपके समाज को पश्चिम में, पिछली दफा 13 मिले थे, इस बार 18 टिकट आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि हमारा समाज भटक रहा। अब जाटों को देख लो, जाट एक तरफा अपने आदमी को वोट देता है, अपनी पार्टी कहां से कहां दोबारा जिंदा कर दी, हमारी तो कोई पार्टी नहीं है। वो भी अखिलेश यादव जी ने जिंदा करी, लेकिन आज आप सबको इकट्ठा होकर के अपने समाज को जागृत करना, एकजुटता होकर के
इस चुनाव में उपचुनाव में जिताना है। आने वाला भविष्य 2027 नजदीक है और आप सब भाई जो राजनीति कर रहे हैं सबका सम्मान बढ़ेगा, कद बढ़ेगा और किसी को MLA बनेगा, जब सरकार बन जाएगा, आने वाली सरकार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है, क्योंकि जिस प्रकार से देश में चुनाव हुआ लोकसभा का, आज देश में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी उभर करके आई और हर आदमी चाह रहा है कि बीजेपी को हटाओ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को लेकर के आओ। बहुत से लोग MLA बनेंगे, बहुत से लोग जब सरकार बन जाएगी, जो साथी है, कोई निगम है, कोई राज्य मंत्री का दर्जा, सब समाज के लोगों की हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, सबको एडजस्ट करने का काम करेंगे। यही बात मैं कहने के लिए आया हूँ। और जो अब तो 6 दिन और बढ़ गए हैं चुनाव के, हमें मौका मिल गया मेहनत करने का और हम लोग यहाँ 19 तारीख तक रहेंगे, तो मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा कि सबके गाँव में हम लोग आएंगे और ये बिरादरी में एक जोश होना चाहिए। अगर बिरादरी का उत्थान नहीं होगा तो कल को हमारा आवाज खत्म हो जाएगा, तो हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा, ये हम सबकी मजबूरी है। जिस तरीके से इकट्ठा होकर के ये आपने चंदन चौहान को यहाँ से विधायक बनाया, अब MP बनाया, क्योंकि बिरादरी का कोई आदमी आपके सामने तो है नहीं, तो इसलिए हमारे लोग भी आपसे जो है सहानपुर से चल कर आप लोगों से निवेदन करने के लिए आए। अब मेरा हाथ जोड़ का आपसे निवेदन है कि इसका वोट हमारा जो है समाजवादी पार्टी को देने का। ये चीज मैं और बताता हूँ आपसे, अभी नेताओं की बात चल रही थी, इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी से अच्छा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से अच्छा नेता मैं पूरे देश में किसी को नहीं मानता। विधायक बन जाते हैं, MP बन जाते हैं, सबसे पहले अपना मान सम्मान, अपने मान सम्मान के सामने जो है विधायकी और सांसदी जो है वो बहुत छोटी है। हम भी 2014 में सांसद बन सकते थे, 2017 में विधायक बन सकते थे, उपचुनाव में भी विधायक बन सकते थे, लेकिन हम लड़ाई लड़ते हैं मान सम्मान के लिए, हम विधायक के या MP के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। उम्मीद है अपना प्राण आप सबसे निवेदन करता हूँ कि 20 तारीख को आप अपना कीमती वोट जो है साइकिल के निशान पर देकर के जो है भाई कादिर राणा जी की पुत्र वधु को जो है यहाँ से विधायक बनाने का काम करेंगे, वो मुझे पूरी पूरी में जो है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी की तरफ से भाई राणा जी को एक आशीर्वाद दे रहा, परमात्मा इन्हें सफल करे।